अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू वीडियो। देखो भाई, आज तुम लोगों ने मेरे को सिखाना कि क्या हो रहा है। मेरे को नहीं, मैं नहीं सिखा, मेरे को बताओ भाई। मेरे को ना बड़ा अजीब सा लग रहा है और मेरे को ना बोरिंग हो रहा, बोरिंग नहीं कहूँगा, बेजारी और फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि मेरे को ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। रिसेंटली फिर से भाई इनका कॉन्सर्ट हुआ। पहले भाई हमारे आगे इंटरव्यू आता है रोलिंग स्टोन के ऊपर ना, यहाँ पे आया था कहीं पे, जिसमें रफ्तार बोलता है कि सब बिजी है, सबको अपना अपना काम है, कोई मूवी पे लगा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ का, कोई फलाना कर रहा है, कुछ ढिमकाना कर रहा है। ठीक है रफ्तार भाई, गुड हो गया। एरोटिक ने बनाई है बहुत बढ़िया, बहुत अभी बहुत बढ़िया है भाई, मजा आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है जी, ये कॉन्सर्ट होता है जो कि बम्बई या मुंबई या जहाँ भी होता है, एक तो बम्बई या मुंबई स्पाड़ी भी है ना, मुझे याद है। हाँ, तो कॉन्सर्ट कंसर्न है अंग्रेजी की। खैर भाई, उसके अंदर आते हैं कौन, हमारे चीफ गेस्ट सी एम साहब, एम सी स्टैन। एक तो एमसी स्टैंड का काम क्या बनता है, लेकिन चलो ठीक है, आगे बनता है रिकॉर्ड। पैसे आज रखो, आज शायद तुम लोगों कलमकार ने मेरे को फारग कर देना, लोगों ने मुझे पार कर देना। बात ऐसी है, गाना आया, लोग आए 5,000 या मुश्किल से 4,000-5,000 क्राउड थी, वो 100 बंदे भी खड़े हो रश पार जाते, तो हाँ मुझे नहीं लग रही थी इतनी क्राउड नहीं है, लेकिन हाँ क्राउड थी। अब गाने जब शुरू कर रहे हैं तो पहले कर्मा भाई आके बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर कृष्णा। मैं परेशान हो गया कि कृष्णा ने ऐसी हरकत की। बोलो रफ्तार से मैं उम्मीद रख सकता हूँ ऐसी हरकत करने से, कर्मा से कर सकता हूँ। कृष्णा एक ऐसा बंदा है जो अपने काम से काम रखने वाला, हमने जो देखा है इंस्टा पे, या तो वो चोदता है या तो वो नहीं चोदता, चोदता। हाँ तो ये बात है, वो नहीं छोड़ता, ठीक है ना। वो बंदा गाने लोगों के आगे आके शोर मचाता है, जिसमें वो बजाएंगे या मचाएंगे, वो हमें सिखाएंगे कुछ ऐसी बात करके। गया एक बंदा कह रहा है कि मेरे आर्टिस्ट सारे बिजी हैं, कि लेबल के साथ हैं। जैसे रफ्तार ने पहले एक दफ़ा ये बोला था कि मैं लेबल पे हूँ, लेबल पे ना होता तो मैं तुझे बताता, कुछ ऐसे ये पहले भी एक दफ़ा हो चुका हुआ। अगर तुम में से कितने लोग हिप हॉप को सुनते हैं मुझे नहीं पता। मेरे को मसला ये है भाई, जो सीधी सीधी बात है, एक आर्टिस्ट तुम उसको को उसकी व्यूअरशिप गिर गई, तुम उसको को के एल्बम फ्लॉप हो गई, तुम उसको जो मर्जी बोलो, एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे आर्टिस्ट, लाखों आर्टिस्ट उस आर्टिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। सीधी बात है, जिसमें मैं खुल के बोलूँगा यूनस, अंजुम, ये डीमन, जिनका कोई लेना देना नहीं था सिवाय उनके रैप को, उनको जवाब भी नहीं दिया, हालांकि उसी के गाने अप्रिशिएट करता है। सीधी सीधी बात है, बुरा लगता है तो लगे तुम्हें। खैर ये रफ्तार, कृष्णा, सब के सब उसके पीछे लगे हैं कि बैक है, मंबल है, ये है, फलाना डिमकाना है, तरस गए। अब उसने आके रिप्लाई दिया, अब उसने आके रिप्लाई दिया उसमें भी, क्योंकि रोहन भाई ने वीडियो बना दी थी, उसमें दो बुजुर्ग इंसान थे माशाल्लाह, बड़े अच्छे ह्यूमर है उनका, यहाँ पे देखो कवर भी मैं कर जाता हूँ साथ साथ। उन लोगों ने आके बोल दिया, अब वही चीज़ टट्टू टहने जो उठ के 14-14 साल के बच्चे उठे और उन्होंने वही चीज़ एम बी वे को बोलना शुरू कर दी कि गाली देता है, ये देता है, ये बैन के उन्होंने ये बार के सुनते नहीं है रैप, इनको पता नहीं है। हमने जितना भी सुना ना, हमें पता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये। खैर हमने मान लिया। अब सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई की जगह बोला जा रहा है कि हम बिजी हैं, और बिजी के बाद स्टेज पे ये हो रहा है। और अभी एमसी स्टैंड आया तो ऐसा क्राउड था, नो डाउट भाई। इस टाइम अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्राउड अगर किसका ज़्यादा, तो रफ्तार से ज़्यादा एमसी स्टैंड का है भाई, सिंपल बात है भाई, फैक्ट है। इंडिया के अंदर बहुत बज रहा है वो, इंडिया क्या पाकिस्तान में एमसी स्टैंड बज रहा है ब्रो, इतना रफ्तार नहीं बजता जितना एमसी स्टैंड बजता है, उसका म्यूजिक चल रहा है ब्रो। चाहते क्या है मेरे को नहीं समझ आ रही, वो चाहते क्या है, आप डिस नहीं कर रहे, आपने कोई, अब रोजों का, मैंने कहा रोजों का, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा ऐसी हरकत करेगा ब्रो, मेरे को नहीं थी ब्रो। कृष्णा को हम कितना, मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत अप्रिशिएट भाई, मेरे लिए तो वो कमाल किस्म का बंदा, बार्स उसके पास आला किस्म के, ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, मतलब बोरिंग कर रहे हैं भाई, फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं कि भाई क्या चाहते क्या हो ब्रो। एक बंदे ने तुम्हें डिस कर दिया, वो बंदा डिस करके भी आगे बढ़ गया ब्रो, उसने 2-3 पुरानी ध्यान दे उन्हें तस्वीरें डाली, वो कराटे वाली क्या अभी मैंने डाली थी, फुल वायर में था, उसने बोला था कि इस साल मैं आऊँगा। अब लोग उसको जो मर्जी बोले, घटिया गाना, फजूल गाना, बैग टैग मुँह चुक, ये भाई गालियाँ तो एम बी वे को, लेकिन उसने कर दिया जिस चीज़ का इंतजार था आप लोगों को। अब आप लोग खुद पीछे एक स्टेप हो गए, फिर उसको आप मुंबई, वो उसके होम टाउन या जहाँ भी वो रहता है, पता नहीं वहाँ पर रहता है, जिधर भी रहता है, तो उसको आके आप स्टेज पे ये तंज कर रहे, कोई लॉजिक नहीं बनती ब्रो, कोई लॉजिक नहीं बनती। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, पता नहीं अब तुम लोग इस चीज़ को समझते हो कि नहीं समझते हो, ये पहली तो बात है, इन लोगों ने कभी लड़ना नहीं है किसी भी एक आर्टिस्ट से, सीधी जो बात है, कोई नहीं लड़ेगा। तुम्हें पता केस होगा 2 मिनट में चुट जाता है, वो वाला सीन खत्म हो गया, वो बिगी वाला वो स्टेज पे चढ़ के एकदम पागल नहीं होगा बिगी भैया, जी नहीं बनने का ब्रो, नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है,
कि ऐसे ही होता है जब इंसान जाता है, किसी के फैंस भारी हो जाते हैं बार बार, ये जो बोलते रहे कि हमारे कट्टर फैन चाहिए, हमें रियल आर्मी चाहिए, ये चाहिए, इसी चक्कर में ना कोई किसी फैन पर कत्ल कर देता। ये तो मेरे मजाक लगेगी लेकिन बार जो हुआ ना ये इसी तरह ही हुआ। एक तो मानता ही नहीं था कि मैंने उसका कुछ किया है, बेवजह बेफजूल चीज़ हुई। फिजिकली चीज़ को नहीं लेके जाना चाहिए, मेरा ये जाती मानना। पहले ये लोगों ने रोला डाला हुआ था कि भाई हम डिस करेंगे डिस करेंगे डिस करेंगे डिस करेंगे, हमें एक रिप्लाई देके तो देख, ये देख तो वो, देख तो वो फलाना ढिमकाना। अब एक बंदे ने कर दिया हुआ है, हमें से एक भी बंदा आगे नहीं बढ़ा और इतने फजूल से एक्सक्यूज डाल के आगे बढ़ रहे हैं। बंदा है मेरे 50,000 रुपये महीने का, क्या बोलते शरीफ एल पे बजे मेरे, मैं देखो यार मजाक हमने ज़्यादा, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत लेम लगी ये चीज़। कॉन्सर्ट अलग चीज़ है, गाने भी गाने ओबियसली डिस्ट्रैक्ट है, निकालने सब कुछ आज़ादी है सब कुछ, लेकिन सब कुछ करना डिस नहीं करना, ये बहुत लेम चीज़ लगी। और मुझे कृष्णा से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो ऐसे करेगा, ये इम्पैक्ट ऑडियंस पर बुरा चाहता है और लेम चीज़ लगती है। वहाँ बहन पे के लोग हंस रहे होंगे अगर देख रहे होंगे ये चीज़ कि यार की एमी वे के पास या तो क्राउड ना हो, उसके पास क्राउड इतना ज़्यादा जिसी हुआ थी। मेरा मानना ज़्यादा तौर पे वो अगर अपना शो बनाए तो कम से कम 50,000 से 60,000 लोग इजीली आ जाएंगे। ब्रो एमी वे को रीच मिलती है ब्रो, अब क्या कर सकते हैं, उसको मिलती है, उसके लोग सुनते हैं गाने। एमी नहीं उसके मिलियन मिलियंस पे जाते, मैं कहता हूँ टट्टी गाने निकलता फिर भी वो हिट है, जो हिट है वो हिट है वही चलता है, उसको पैसा कमाना आता है, वो लाखों करोड़ों रुपये ऐसे कमा रहा है, ये चीज़ इससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं स्टिल बता रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं बिजी हूँ, वो उसका लेबल है ब्रो, पूरा लेबल चला रहा है वो इंडिपेंडेंटली आर्टिस्ट को आगे, अभी गोश या वो है फ्लो को या क्या है, वो उसको आगे कर रहा है, उसके गाने हिट जा रहे हैं, वो एड्स नहीं लगा रहा, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये देखना पड़ता है ब्रो। उसको वो इन्वेस्ट इतना नहीं कर रहा जितना वो कमा रहा है। अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी आर्टिस्ट की, बट इतने लोगों ने डिस किया उनमें से, अब जाके अगर फाइनली उस बंदे ने जवाब दे दिया, 3 साल रुक के उसने जवाब दे दिया, तो जवाब दो, कोई तो जवाब दे, पारे शफी वाला सीन है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कलमकार के ही आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट के फैंस हैं, वायस के हैं, वायस कलमकार इनके ही होते हैं, लेकिन आप अगर आंखें खोल के देखो ना तो आपको समझ आएगी कि क्या सीन है, ठीक है ना। सो मिलता हूं लोगों की अगली वीडियो पे, और बहुत यार बहुत 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 रोटी के लिए बनाई है, बहुत बढ़िया बीफ बीफ हमें बहुत मज़ा आ रहा है ब्रो, बहुत मज़ा आ रहा है, ये 3 साल से चल रहा है ब्रो, लेकिन जितना ये खींची जा रहे हैं ना, खींचने का एक तरीका होता है जिसमें मज़ा है, ये ड्रैग और फ्रस्ट्रेशन डालने वाला मज़ा नहीं है, वो पता नहीं यार बचपना लगा कि हम बिजी हैं लेकिन हमने कंसर्ट पे जाके तो हमने शोर मचाना, पता नहीं। खैर तुम ज़रूर बताना अपना ओपिनियन कि तुम्हें क्या लगता है, और बहुत न्यूट्रल होकर बात करना, बकचोदी नहीं, ठीक है ना। बाबा जी यस कमांड।